हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त को होने वाले रॉक के फुल प्रीव्यू के बारे में। और गाइस, बहुत ही बड़े सेगमेंट्स कंफर्म कर चुकी है नेक्स्ट रॉक के लिए WWE और समर स्लैम से पहले की लास्ट रो है, तो हमें एक्सट्रीम बिल्डअप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मैचेस अभी तक अनाउंस नहीं हुए समर स्लैम के लिए, नेक्स्ट रॉ के बाद वो भी अनाउंस हो जाएंगे। तो गाइस, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से ही। तो गाइस, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैच कन्फर्म है और ये होने वाला है हैंडीकैप मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस वीर एंड शैंकी के बीच में। हमें लगभग 2 हफ्ते पहले भी ये मैच देखने को मिला था, पर उस मैच की फेयर एंडिंग नहीं हुई थी, कोई विनर नहीं था, वो डिस्क्वालिफिकेशन से ऐड हुआ था। पर ये रीमैच होने वाला है और भाई यहाँ पर फिर से, जैसे कि आपको पता है, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महल का मैच होना है समर स्लैम में, तो जिंदर महल भी इस मैच में इंटरफेयर दोबारा करेंगे। पर वीर और शैंकी के बस की नहीं है कि वो ड्रू मैकइंटायर को हरा पाए। ड्रू मैकइंटायर को WWE वीक नहीं दिखाएगी, तो इस मैच में ड्रू मैकइंटायर आसानी से जीत जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा फीमेल डिवीजन से, और जैसे कि आपको पता है भाई, ट्रिपल थ्रेट मैच कन्फर्म है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, निकी एस वर्सेज रिया रिफ्ली वर्सेज शार्लट फ्लेयर। और भाई, निकी एस तो कमाल पे कमाल कर रही है, वो शार्लट फ्लेयर को हरा चुके हैं, रिया रिफ्ली को हरा चुके हैं, पर अब जैसे कि लास्ट मौका है, तो तीनों सुपरस्टार हमें आमने सामने देखने को मिलेंगी नेक्स्ट रॉ पर रिंग में। और यहाँ पर शार्लट फ्लेयर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगी, तो ऐसे में भाई तीनों में से कौन स्टैंड ऑल करता है, क्या रिया रिफ्ली और शार्लट फ्लेयर बदला ले पाएंगे निकी एश से नेक्स्ट रॉ पर, ये सेगमेंट देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा गाइस, हमें एक और चीज़ देखने को मिलने वाली है, वो है करियन क्रॉस फिर से हमें नेक्स्ट रॉ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि अब तक हमने देखा, करियन क्रॉस जेफ हार्डी से अपनी फ्यूड बराबर कर चुके हैं और कीथ ली से भी, तो हमें इन तीनों सुपरस्टार्स का एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए कीथ ली वर्सेज जेफ हार्डी वर्सेज करियन क्रॉस का। और ऐसा देख के लग रहा है भाई, WWE जल्दी ही करियन क्रॉस को मेन रोस्टर में लाने वाली है परमानेंटली। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर फ्यूड चल रही है सेमस की, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डैमियन प्रीस्ट के साथ। और जब से डैमियन प्रीस्ट ने रिटर्न किया है, वो डोमिनेट कर रहे हैं सेमस को, जो कि भाई चैंपियन है, तो ऐसे में डैमियन प्रीस्ट को चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिलना बनता है। तो नेक्स्ट रो के बाद WWE ये मैच भी कंफर्म कर देगी समर स्लैम के लिए, सेमस वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा गाइस, एक और सिंगल्स मैच कंफर्म है, जो कि है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ओमोस का। ये मैंने पिछले हफ्ते सोचा था कि पिछले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, पर पिछले हफ्ते हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स, और उस मैच को रैंडी ऑर्टन ने बड़े आसानी से जीत लिया था। पर गाइस, मैच के बाद रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया अपने ही टैग टीम पार्टनर मैट रिडल को, पर अभी भी रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल एक ही टैग टीम में रहेंगे, और अभी समर स्लैम के लिए मैच अनाउंस होना भी बाकी है रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल वर्सेस एजे स्टाइल्स और ओमोस का रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा गाइस, हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर गोल्डबर्ग का रिटर्न, और गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का फेस ऑफ सेगमेंट भी कंफर्म कर दिया है। और इससे पहले अभी तक 2 बार ही कन्फ्रंटेशन हुआ है, पर दोनों के बीच में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर गाइस, WWE यहाँ पर फैमिली थिंग लाने वाली है, गोल्डबर्ग के सन को भी इन्वॉल्व किया गया, तो नेक्स्ट रॉ पर अब ये कहानी किस तरह से आगे जाने वाली है, क्या फिर से गोल्डबर्ग और सन उनके साथ होंगे। और यहाँ पर भाई स्टैंटल करने वाला है गोल्डबर्ग, तो चैलेंजर हैं और गोल्डबर्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो स्पेयर लगा पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे बॉबी लैशली को, या फिर हमें कुछ दूसरा ही एंगल देखने को मिलेगा इस कहानी में। तो समर स्लैम से पहले लास्ट मौका है, तो यहाँ पर WWE क्या करेगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा नेक्स्ट रॉ पर। पर जो भी हो, इस सेगमेंट के लिए भी काफ़ी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, बाकी गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन क्या है समर स्लैम के बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच के लिए, कौन जीतेगा उसमें। और यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपना चैनल को लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे आ जरूर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल जरूर रखें अपना।